और गाइस क्या हाल है। मैं आज बात करूंगा ऐसे पांच फोन्स के बारे में जो 10,000 रुपीज़ के अंदर है और पबजी के लिए सबसे बेस्ट है। गाइस अगर आपका बजट कम है और आप खेलना चाहते हैं पबजी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको पांच ऐसे फ़ोन्स के बारे में बताऊँगा जिनमें आप पबजी ईजिली खेल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, वो भी 10,000 रुपीज़ के अंदर। तो गाइस इस लिस्ट में पांच फ़ोन्स हैं और सबके सब में मैंने पबजी खेल के देखा है। ऐसा नहीं है कि सारे फ़ोन्स मेरे हैं, बस कहीं फ्रेंड्स नेबर्स में ये सारे फ़ोन मैंने पबजी खेल के देखा है। गाइस शुरू करते हैं सबसे अच्छे फ़ोन से। तो सबसे पहला फ़ोन हमारे लिस्ट में है गाइस रियलमी 1। ये फ़ोन मैं यूज़ करता हूँ, मैं इसमें पबजी खेलता हूँ गाइस, बिल्कुल भी लैग नहीं करता है बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसेसर। गाइस प्रोसेसर यहाँ पर बहुत ही तगड़ा दे रखा है यहाँ पर रियलमी ने, जो कि है मीडियाटेक हीलियो P60, जो कि गाइस यहाँ पर जितने भी फ़ोन हैं ना सब में 14 नैनोमीटर साइज़ वाले प्रोसेसर यूज़ हो रखे हैं। बस यहाँ पर जो रियलमी 1 है उसमें 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है जो मीडियाटेक का हीलियो P60 वो प्रोसेसर यहाँ पर यूज़ है, जिसकी परफॉर्मेंस गाइस बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनको नहीं पता ये 14 नैनोमीटर 12 नैनोमीटर क्या है गाइस, ये एक्चुअली साइज़ होता है हमारे प्रोसेसर का। तो गाइस जो 14 नैनोमीटर है ऑब्वियसली बड़ा होगा साइज़ में, 12 नैनोमीटर वाला छोटा होगा। तो ये चीज़ जान लो कि जितना छोटा प्रोसेसर होगा गाइस उतनी तेज़ उसकी प्रोसेसिंग होगी, उतना ही अच्छा वो प्रोसेसर होगा, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो देगा। गाइस इस लिस्ट में पांचों फ़ोन्स के लगभग रैम और यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज सेम है, तो फिर बात आ जाती है प्रोसेसर पे। तो यहाँ पर हम प्रोसेसर की बात करेंगे और क्लॉक स्पीड की बात करेंगे गाइस, जिस पे गेमिंग का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि इसमें रियलमी 1 में मीडियाटेक हीलियो P60 है जो कि 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है आर्किटेक्चर उसका। तो गाइस मीडियाटेक हीलियो P60 ऑब्वियसली एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है गाइस, यहाँ पर चार कोर्स है, यहाँ पर 2 GHz पे क्लॉक्ड हैं कॉर्टेक्स A73 पे, और जो बाकी के चार कोर्स है गाइस वो क्लॉक्ड हैं 2 GHz कॉर्टेक्स A53 पे। गाइस मज़े की बात यह है ना कि यहाँ पर क्लॉक स्पीड 2 GHz है, जो कि सारे इस लिस्ट में जितने भी पांच के पांच फ़ोन्स हैं सबसे ज़्यादा क्लॉक स्पीड है यहाँ पर। तो गाइस ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है इस फ़ोन को प्रेफर करने का। गाइस डिस्प्ले की बात करें ना, तो यहाँ पर आपको एक 6 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि फिर से इस सेगमेंट में फुल HD+ सिर्फ आपको इस फ़ोन में मिलेगा। बाकी फ़ोन्स में सिर्फ आपको एक HD+ डिस्प्ले मिलेगा, यहाँ पर आपको एक फुल HD+ डिस्प्ले मिल रहा है जो कि 6 इंचेस का। यहाँ पर आपको नॉच नहीं मिलेगी, और यहाँ पर जो गाइस GPU है वो भी इन सारे फ़ोन में सबसे तगड़ा है, माली का G72 MP3। गाइस बात करें इसकी प्राइस की, तो ये जो मेरे पास वर्जन है वो है गाइस 3GB RAM 32GB स्टोरेज वाला, वो तो गाइस 9,000 रुपीज़ का आता था, लेकिन अब इसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है तो अभी 11,000 में मिल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करूँगा अगर आपको सेकेंड हैंड मिल जाए कहीं ये 9,000 वाला, मतलब 3GB वाला, नहीं तो आप 11,000 वाला भी लेंगे ना तो 4GB 64GB वाला आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। गाइस दूसरा फ़ोन हमारी लिस्ट में है रियलमी 2। गाइस यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज़ हो रखा है वो है स्नैपड्रैगन का 450, जो कि एक 14 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ऑब्वियसली गाइस ये हीलो P60 जितना अच्छा तो नहीं है, बट स्टिल इट हैंडल्स पबजी वेरी वेल बिकॉज गाइस यहाँ पर क्लॉक स्पीड बहुत अच्छी दे रखी है यहाँ पर। तो गाइस सारे के सारे 8 कोर्स यहाँ पे क्लॉकड है 1.8 GHz पे, जो कि है कॉर्टेक्स का A53। गाइस इस फ़ोन में मैंने पबजी खेला है, हल्के फुल्के लैग्स मुझे कभी कभी देखने को मिलते थे, ऐसा नहीं कि हमेशा लेकिन कभी कभी गाइस। और यहाँ पर गाइस जो डिस्प्ले है वो एक नॉच वाला डिस्प्ले है 6.26 इंचेस का। यहाँ पर गाइस एक मतलब डिस्प्ले बड़ा है ना तो काफ़ी इमर्सिव सा लुक आता है खेलने में। मतलब मैंने इस लिस्ट पे वो फ़ोन इंक्लूड नहीं करा है जिनका डिस्प्ले 6 इंच से कम है, क्योंकि यार अब गेमिंग तो बड़े फ़ोन में ही अच्छी लगती है। गाइस तीसरा फ़ोन हमारे लिस्ट में अगेन रियलमी का ही है, जो कि है रियलमी C1। अगर आपका बजट 10,000 से भी कम है, मतलब 8,000 के आसपास या 7,500, तो आप इस फ़ोन को प्रेफर कर सकते हैं गाइस। गाइस यहाँ पर इसकी प्राइसिंग रखी गई है 7,499, यानी कि 7,500 में आपको ये मिल जाएगा। गाइस अब होता क्या है ना कि 7,500-8,000 की रेंज में ना हमें प्रोसेसर जो देखने को मिलता है वो एक मीडियाटेक का बेकार सा प्रोसेसर होता है, जो मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, लैग वगैरह मारता है, हैंग करता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 450 देखने को मिला है, सारा सब कुछ यहाँ पर प्रोसेसर वगैरह का सेम है रियलमी 2 जैसा सब कुछ। बस यहाँ पर फ़र्क इतना है कि यहाँ पर रैम कम कर दी गई है 2 GB, और बस बाकी सब कुछ सेम है, प्रोसेसर यहाँ पर सेम है, यहाँ पर क्लॉक स्पीड भी सेम है। तो गाइस यहाँ पर भी मैंने पबजी खेल के देखा है, इसमें भी काफ़ी सही चलता है, लो सेटिंग्स में गाइस बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। अगर आप मीडियम या हाई पे जाएंगे तब आपको लैग देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लैग करता है ये मीडियम और हाई पे, लेकिन लो में आप बहुत आसानी से खेल सकते हैं, बिल्कुल लैग नहीं करेगा। चौथा फ़ोन हमारी लिस्ट में है ASUS ZenFone Max Pro M2। उसका नाम तो बहुत ही बड़ा है गाइस, जितना बड़ा यहाँ पर नाम है उतनी बड़ी डिस्प्ले है यहाँ पर 6.3 इंचेस की। यहाँ पर भी काफ़ी एक इमर्सिव लुक मिल जाएगा इसके डिस्प्ले में, मतलब गेमिंग में मज़ा आता है, मतलब जितनी बड़ी स्क्रीन हो उतना मज़ा आता है। यहाँ पर जो डिस्प्ले का इस फुल HD+ नहीं है, एक HD+ डिस्प्ले है, और यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज़ हो रखा है वो है स्नैपड्रैगन का 632। ये गाइस एक 14 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है,
गाइस ऑब्वियसली हीलियो P60 से कंपेरेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 632। इसमें भी मैंने खेल के देखा है गाइस, इसमें भी काफ़ी सही चलता है पबजी, मतलब ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं, मतलब लैग भी नहीं करता है, बहुत हल्के लैग्स, बहुत कभी कभी फ्रेम ड्रॉप्स मिलते हैं मुझे, लैग भी नहीं बोलूँगा मैं, फ्रेम ड्रॉप्स बोलूँगा हल्के फुल्के। तो गाइस यहाँ पर 8 कोर्स है गाइस, उनमें से जो 4 कोर्स हैं वो क्लॉक्ड है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे, क्रायो 250 का। यहाँ पे क्रायो यूज़ करा है आर्म कॉर्टेक्स की जगह पे, यहाँ पे स्नैपड्रैगन ने अपना क्रायो 250 यूज़ करा है, ये काफ़ी अच्छी बात है, जो कि अब ज़्यादा एफिशिएंसी देता है आपको और ज़्यादा परफॉर्मेंस निकल के आती है गाइस क्रायो में। और गाइस जो बाकी के 4 कोर्स है वो भी 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्रायो 250 पे ही क्लॉक्ड है। सो गाइस इंस्टेड ऑफ आर्म कॉर्टेक्स दे हैव यूज्ड स्नैपड्रैगन क्रायो 250, जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है आपको, अच्छी एफिशिएंसी देता है, तो यहाँ पर गेमिंग और बेटर हो जाती है। गाइस पांचवा फ़ोन हमारे लिस्ट में है जो कि है बिल्कुल ही नया, जो ये चाह रहे हैं कि हमें पुराने फ़ोन नहीं, मतलब आज के बिल्कुल नए फ़ोन चाहिए, वो भी एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। तो गाइस ये फ़ोन है गैलेक्सी M10, सैमसंग गैलेक्सी M10। तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं 10,000 के अंदर, जो कि है गाइस 8,000 में आपको मिलता है यहाँ पर 2GB रैम 16GB स्टोरेज वाला वर्जन, और गाइस यहाँ पर आपको 9,000 में मिल जाता है 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला वर्जन। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे गाइस सैमसंग का अपना प्रोसेसर है, क्योंकि एक्जीनोस 7870। इसकी गाइस प्रोसेसिंग मतलब सेम लगा लो आप स्नैपड्रैगन 450 जितनी है, हल्का सा बेटर ये हो सकता है 450 से। गाइस ये भी 40nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और यहाँ पर जो सारे कोर्स हैं सारे के सारे 8 कोर्स, ऑब्वियसली ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, सारे 8 कोर्स यहाँ पे क्लॉक्ड है 1.6 गीगाहर्ट्ज़ कॉर्टेक्स A53 पे। प्रोसेसर यहाँ पे अच्छा है, मतलब गेमिंग के लिए ठीक है। इसमें भी मैंने खेल के देखा, ये मेरे फ्रेंड के पास है, मैं बता रहा हूँ डिस्प्ले में तो मज़ा आ जाता है इसमें खेल के, बस फ़र्क इतना है कि इसमें भी आप लो सेटिंग्स पे खेल सकते हैं, हाई पे अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियसली लैग करेगा, मीडियम पे हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स मिल जाते हैं, हाई पे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लैग करता है, बहुत ही ज़्यादा लैग करता है, तो लो सेटिंग्स पे खेलना काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। बस यही था हमारी लिस्ट आज की 5 फ़ोन्स की। सब में गाइस रैम और स्टोरेज तो सेम ही थी, तो बात आ जाती है सारी प्रोसेसर के ऊपर। गाइस मैं तो ये मानता हूँ कि अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं है ना, फिर चाहे आप कितनी भी रैम बढ़ा लो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ोन परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और मुझे कमेंट्स में बता देना अगर कोई और फ़ोन आपके नज़र में है तो बता देना मुझे कमेंट्स में, फिर कुछ अगर पूछना चाहते हो तो वो भी आप पूछ सकते हो।